हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम कीपिंग क्वाइट इस कविता का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आज के दौर में निश्चित ही बहुत ही प्रासंगिक है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सरल कविता है यहाँ से शुरू होती है ना नाव वी विल काउंट टू एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड नॉट म्स सोमच so पहली लाइन में कहते हैं कि नाव वी विल काउंट ट्वेल्व चलिए हम सब मिलके क्या करेंगे बारह तक गिनेंगे एक से लेकर बारह तक गिनेंगे ये एक से लेकर बारह तक गिनेंगे का मतलब ये है शायद इसलिए वो कहना चाहते हैं कि क्योंकि घड़ी में बारह घंटे होते हैं एक वर्ष में बारह महीने होते हैं ये कहना चाहते हैं कि एंड वी विल ऑल कीप इस्ट सेकेंड लाइन में आप देखें कि एक से बारह तक गिनेंगे और हम सब स्थिर यानी क्वाइट शांत रहेंगे कि हम जितने समय तक रह सकते हैं उतने समय तक हम क्या करेंगे मौन रहेंगे क्रियाहीन रहें थोड़े समय तक जब तक हम रह सकते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ अरे एक बार के लिए ही सही इस धरती की सतह पर ऑन द फेस का मतलब सरफेस कह सकते हैं इस धरती के सरफेस पर थोड़ी देर के लिए ही सही कुछ देर तो हम शांत रहें लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज हमें किसी भाषा में बात भी नहीं करनी है अर्थात भाषाएं कई बार वेरियर्स पैदा करती हैं कई बार ये होता है कि हार्स वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे अंदर एनिमिटी यानी एने दुश्मनी पैदा करते हैं शायद कभी कहना इसीलिए कहना चाहते हैं कुछ देर तक हम मौन भी रहेंगे किसी भी भाषा में हम कोई बात नहीं करेंगे हम कुछ समय तक मौन रहेंगे कोई बात नहीं करेंगे लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड अरे थोड़ी ए सेकेंड का मतलब कुछ पल के लिए थोड़े समय के लिए हम स्टॉप करेंगे चुप रहेंगे एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच और अपने हम आर्म नहीं हिलाएंगे मूवमेंट नहीं करेंगे इसका मतलब हुआ हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे थोड़ी समय तक हम बिल्कुल शांत चुप स्थिर रहेंगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रेस्ट विदाउट इंजेंस वी ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस एक्सोटिक एक्सोटिको अनयल इन टाइसिंग अगर ऐसा अगर हो हुआ अर्थात जैसा कभी कहते हैं अगर ऐसा हुआ कि हम चुप रह सके बिना कोई कार्य के हम बिल्कुल क्रियाहीन थोड़े समय के लिए रह पाए तो unusual, enticing, ये एक्जॉटिक मोमेंट होगा एग्जॉटिक यानी अनयूजल एंटाइसिंग, विलक्षण यानी मोहक मोम पल होगा ये विदाउट क्यों? कि आज की दुनिया में हम देखते हैं हमेशा भागम भाग भागम भाग, 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 भाग वो समय कैसा होगा जब भागम भाग नहीं होगी कुछ समय के लिए विदाउट इंजन्स इंजन्स यानी मशीन्स मशीन्स का शोरगुल नहीं होगा थोड़े समय के लिए बी वुड ऑल बी टुगेदर जब हम काम नहीं करेंगे जब इधर उधर बिजी नहीं होंगे तो हमारे पास समय होगा हम सब एक साथ मिल पाएंगे एक दूसरे से इन ए सडन स्ट्रेंजनेस और एक अचानक एक कैसा एक अजीब सा माहौल हमारे चारों तरफ हो जाएगा आई थिंक द पोइट फीस दैट फॉर ए मोमेंट साइलेंस वुड बी एन अनयूजअल एंड एग्जाइटिंग वन इट विल हैव मेरी क्लस्ट कॉन्सिक्वेंस इसका बड़ा ही चमत्कारिक प्रभाव हम पर होगा है। एक स्ट्रेंज और अनफेमिलियर मोमेंट हमारे चारों तरफ क्रिएट हो जाएगा है ना नॉट सब शायद गलत छपा हुआ है अंतिम लाइन में फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स यहाँ पे नॉट शायद गलत छपा है जी अब जब हम जब इंसान थोड़े समय के लिए इनएक्टिव होगा तो थोड़ा सा राहत मिल पाएगी कैसे व्हेल्स को भी व्हील्स यानी जो मछलियाँ होती हैं बहुत बड़ी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है यानी कि जब फिशरमैन कोल्ड सी में नहीं मार रहे होंगे उस समय मछलियों को जब वो एकदम इनएक्टिव होंगे थोड़े समय के लिए तो क्या होगा बच पाएंगी उन्हें नुकसान नहीं होगा द मैन गैदरिंग सॉल्ट और जो सॉल्ट इकट्ठे कर रहे हैं व्यक्ति अर्थात जो श्रम कर रहे हैं बुरी तरह से उन्हें समय ही नहीं है वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स उन्हें थोड़ा समय मिल पाएगा क्या करने का अपने उन घायल हाथों को देखने का इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मछलियाँ सुरक्षित रहेंगी थोड़े समय के लिए ही सही और नमक एकत्रित करने वाला श्रमिक अपने घायल हाथों का उपचार कर सकेगा जिसके लिए उसके पास समय ही नहीं था इस प्रकार क्या हो गा? इन चार लाइनों का अगर मीनिंग निकालें तो क्या निकलता है अगर हम भाव निकालें तो मनुष्य और प्रकृति दोनों अपने अपने घावों से उबर पाएंगे थोड़ा थोड़ा समय जब उन्हें मिल पाएगा तब आगे बढ़ते हैं दॉस यू प्रपेयर ग्रीन बार्स वास विद गैस वास विद फायर विक्ट्रीज़ विद नो सर्वाइवर्स बुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग अब जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे थोड़े समय के लिए वन टू ट्वेल्व तो काउंट तो करते समय अर्थात थोड़े समय के लिए मतलब एक दिन के लिए ही सही थोड़े से पल के लिए थोड़े समय के लिए तो क्या होगा वो युद्ध रुक जाएंगे दोज हु प्रपेयर ग्रीन वार ग्रीन वार हियर इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाला जो युद्ध है हम पूरे तरह से अपने इन्वायरमेंट को नुकसान करते चले जा रहे हैं वास विद गैस गैस से युद्ध केमिकल्स के कितने सारे इस तरह के युद्ध हो रहे हैं विद फायर आग अर्थात जहरीली गैस और रसायनों का प्रयोग जहाँ हो रहा है ये सारे समय के कुछ समय के लिए रुक जाएंगे और फिर ये भी तो हम सोच पाएंगे कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर अगर हम जीत भी गए तो इस जीत को जश्न मनाने वाला बचेगा कौन क्यों युद्ध जब होता है तो जीते कोई और हारे कोई लेकिन नुकसान तो मानवता का होता है ना युद्ध जब थोड़े समय के लिए रुकेगा तो हमें यह चिंतन करने का मौका मिलेगा कि हमें युद्ध रोकना चाहिए युद्ध नहीं करना चाहिए क्यों कि ऐसी विक्ट्री जो होती है युद्ध के बाद मिलती है उसमें जश्न मनाने वाले तो कोई होते ही नहीं ना बुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ और फिर इंसान क्या करेगा जो युद्ध में रत लोग हैं वो क्लीन क्लॉथ अर्थात क्लीन का मतलब थोड़ा शांत भाव में रह करके अपना चिंतन कर पाएंगे शांत माहौल शांत वातावरण का निर्माण करने के बारे में विचार करेंगे एंड अबाउट विद देयर ब्रदर्स ब्रदर्स और क्या करेंगे अपने भाइयों के के साथ तात्पर्य वसुदेव कुटुंब कुंभ सारे इंसान हमारे भाई ही तो हैं अर्थात अब इंसान इंसान के साथ थोड़ी समय के लिए समय बिताएगा बात करेगा इन द शेड यहाँ शेड क्या है अहिंसा रूपी और एक शांति के माहौल में वो बैठ के बात करेगा अपने भाइयों से डूइंग नथिंग जब वो कुछ नहीं कर रहा होगा थोड़ा सा समय जब वो निकालेगा काय के लिए शांत रहना स्थिर रहने का तात्पर्य है इंट्रोस्पेक्शन हम अपने बारे में थोड़ा विचार कर पाएँ थोड़ा हम चिंतन कर पाएँ इसलिए थोड़ा देर के लिए हम इनएक्टिव हो जाएँ क्योंकि जीवन की भाग से भी बहुत कुछ कहाँ मिल पाया हमें वॉट आई बॉन्ट्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज टूट विद टोटल इनएक्टिविटी आप कभी कहते हैं अभी आपकी ये मत सोच लेना क्या कि मैंने आपसे कहा है कि अपना कुछ भी काम करना ही बंद कर दो आप आलसी हो जाओ अर्थात वॉट आई इंट जो मैं चाहता हूँ उस पर कन्फ्यूज मत हो जाना भ्रमित मत हो जाना मिसअंडरस्टूड मत हो जाना कि टोटल हम चाहते हैं कि पूरी तरह से इनेक्टिव हो जाओ अब इनएक्टिविटी का तात्पर्य होगा निष्क्रियता आइडलनेस निठल्ला नहीं होना है ठीक है लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट जीवन तो चलने का नाम है ना ठीक है जीवन चलने का नाम है हमेशा चलते रहने का नाम है एक्शन इज डाई ड्यूटी अर्थात हमेशा कर्म करते रहना है लेकिन वो ये कहता है कि कर्म कौन से करना है कर्म और अकर्म के भेद को समझना है इसलिए चुप रहना है थोड़े समय के लिए आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ यहाँ ट्रक से तात्पर्य होता है एसोसिएशन नो ट्रक विद डेथ यानी कि नो एसोसिएशन विद डेथ अर्थात मेरा संदर्भ यह है कि मैं जीवन को रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रुक जाना तो मौत के बराबर है इंसान अपने मूर्खता से मृत्यु के समीप धीरे धीरे आता जा रहा है उससे वो कम से कम अपने आप को बचा पाए इफ वी वे आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विध डेथ यहाँ कविता का जो मूल उद्देश्य है जिसलिए कवि ने लिखा है वो समझाते हैं कि अगर हम थोड़े समय के लिए सिंगड सिंगल माइंडेड होना बंद कर दें थोड़े समय के लिए सिंगल माइंडेड या सिंगल माइंडेड का मतलब है फोकस ऑन वन थिंग या टू बी सेल्फिश स्वार्थी होना अगर हम थोड़े समय के लिए अपने ही बारे में सोचो सोचते रहते हैं वो बंद कर दें अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग अपने ही जीवन को मूव करने के बारे में जो हम सोचते हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और थोड़े समय तक हम इस निष्क्रियता का भाव या इनएक्टिव हो जाए कुछ ना करके क्या करें यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो ये है कुछ ना करके हम आत्मचिंतन करें अपने बारे में विचार करें हम इसीलिए इस दुनिया में आए थे क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे सुख शांति मिल रही है क्या ये म्यूजिक मेरे लिए मेरे समाज के लिए मेरे परिवार के लिए सही है तो परहेप से यूज साइलेंस तो क्या है कि यह जो ये जो गहन साइलेंस होगा ये जो गहन शांति होगी एक ऐसा क्षण उत्पन्न करेगी ये लोगों की सहायता ही करेगी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस तो हमारे अंदर एक तरह का जो दुख पनप रहा है निराशा पनप रही है उसको थोड़ा दूर करने में इंटरप्ट का तात्पर्य वैसे तो होता है डिस्टर्ब करना दखल देना तो जो दुख का माहौल है उसको डिस्टर्ब करेगी तो क्या होगा सुख का माहौल या शांति उत्पन्न होगी आगे कहते हैं ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग यानी कि हम क्या करते हैं कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते जो हम कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं उस क्षण में इस गहन शांति के क्षण में अपने आप को समझ पाएंगे एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्फ विद डेथ कभी शायद ये कहना चाहते हैं कि शायद हम बहुत सारे काम थ्रेट ऑफ डेथ मौत के डर से करते हैं या मौत की धमकी जो हमें हमारे जीवन में हमारे सामने जो मौत का साया रहता है उस वजह से करते हैं तो कभी कहना चाहते हैं कि मृत्यु के भय के कारण हम कई बहुत से कार्य पूर्ण करते हैं लेकिन यह है शांति का क्षण उन्हें स्वयं को एक बेहतर रूप से समझने के योग्य बनाएगा या समझने का समय देगा और ये अंतिम पंक्तियाँ हैं पर टीचर्स एज वेन एवरीथिंग सीम्स डैड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव नाउ आई विल काउंट अप टू ट्व एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो यहाँ पे पर अर्थ कैन टीचर्स अब कभी ने बड़े ढंग से कहा है कि शायद अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें तो पाएँगे कि धरती एक हमें सबक दे सकती है हम अपनी इस अर्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं अर्थ कैन एंडलाइट इन अस पृथ्वी हमें ज्ञान दे सकती है एंड गाइड अस इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट और हमें गाइड कर सकती है हमारा निर्देशन कर सकती है पथ प्रदर्शन कर सकती है कि हम शांत क्यों रहें कैसे रहें कि एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड अर्थात जब ना लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया एंड लेटर प्रूफ टू वे अलाइव तो क्या होता है तो वही जो डेड से ही जिंदगी निकल के आती है जैसे कि कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं जैसे कि बीज होता है बीज आपको कैसा देखता है एक बिल्कुल मृत प्राय देखता है लेकिन वो क्या करता है वो कुछ समय तक पृथ्वी की गोद में शांत रह करके एक जीवन के रूप में एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है अर्थात जब हम कुछ शांत रहेंगे धरती की तरह तो हमारे अंदर से क्या होगा प्रस्फुटित होंगे एक अच्छे विचार नए जीवन का संचार होगा नई सोच आएगी नई तरह से आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर होंगे इसलिए कभी कहता है कि हम पृथ्वी से इन एजन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूस टू बी अलाइव इनमें यही निकल के आता है कि आपको भले ही एक एक नज़र से लगे कि यहाँ तो कुछ जीवन है ही नहीं एक नज़र से आपको ये प्रतीत हो कि यहाँ सब कुछ डेड है लेकिन वहाँ से भी जीवन आपको नजर आएगा ऐसा कभी हमसे कहते हैं और फिर से वही रेफरेंस है कि आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व मैं एक से बारह गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो और आप थोड़ी देर स्थिर तो रहो शांत रहो चलिए मैं बढ़ता हूँ मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ